हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक टू नेस पर। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लेने जा रहे हैं एक सेकेंड हैंड लैपटॉप, अगर एक यूज्ड लैपटॉप आप बाय करने चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको उसमें चेक करनी चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है, आप एक लैपटॉप सेकेंड हैंड लेने जाते हैं और वहाँ पर आपसे कुछ फ्रॉड हो जाती है, कई चीज़ें ऐसी रहती है जो उसमें वर्किंग नहीं कर रही है, या फिर कुछ बार आपको पता नहीं चलता कि यार ये लैपटॉप इस प्राइस के लिए है कि नहीं है, उसकी जनरेशन क्या है, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो नहीं जान पाते। दोस्तों देखिए, मेरा काम है पर्सनली, मेरी शॉप है विशाल कंप्यूटर के नाम से, तो मेरे ये काम है, मैं लैपटॉप यूज्ड लेता भी हूँ, सेल भी करता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो देख के चीज़ें लेता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि अगर आप कभी भी लैपटॉप यूज्ड लेने जाओ तो ये चीज़ें आप दोस्तों ज़रूर चेक करें। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ लैपटॉप की, अगर बॉडी की बात करूँ तो आपको एक बार उसकी स्क्रैचेस वगैरह जो भी रहती है ये तो आप सिंपली देख ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लैपटॉप की बिल। सबसे पहले आपको जब भी आप लैपटॉप सेकेंड हैंड परचेस कर रहे हैं तो उसकी बिल आपको मस्ट है कि लेनी है, नहीं तो फिर दोस्तों क्या हो सकता है कि वो लैपटॉप चोरी का हो या ऐसा कुछ। आपको उसके सीरियल नंबर एक बार चेक कर लेना है, आपको उसकी बैटरी चेक कर लेनी है और चार्जर आपको ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको बिल किसी कारण से नहीं मिलता है तो उनसे आपको आईडी ले लेनी है एक टोक, और आईडी पे आपको एक रिटर्न प्रूफ मतलब सिंपल लिखवा देना है कि ये लैपटॉप इनके द्वारा मैंने लिया गया है, और उस पर जिससे आप ले रहे हो उनकी भी एक सिग्नेचर और एक आपकी भी सिग्नेचर। अब दोस्तों आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लैपटॉप लेने जाते हैं और उसकी प्राइस आप कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि यार i3 प्रोसेसर है तो इतना पैसा होगा, i5 है तो इतना होगा, और आप नए का रेट देख लेते हैं और उस हिसाब से जो भी आपके प्राइस रहती है मतलब जो भी सेलर सेल करता है तो आप उस हिसाब से करके और ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए सबसे पहले आपको प्रोसेसर की जनरेशन भी चेक करनी है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि आप प्रोसेसर की जनरेशन कैसे चेक करेंगे, और अगर आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप कुछ चीजें अपने साथ कैरी कर लीजिए, जैसे कि एक यूएसबी डिवाइस, मेरा मतलब कि एक पेन ड्राइव रख लीजिए या फिर एक USB माउस रख लीजिए, जो भी, ताकि आप लैपटॉप के सारे USB पोर्ट चेक कर पाएँ, और हो सके तो आप एक मोबाइल का ईयरफोन या एक हेडफोन, ताकि आप उस लैपटॉप का 3.5 mm का जो जैक रहता है आउटपुट के लिए, ऑडियो के लिए, वो भी आप चेक कर पाएँ। एक ब्लैंक DVD या फिर एक किसी भी मतलब एक डेटा वाली DVD, सॉरी ब्लैंक नहीं लेना, जिसमें कुछ डेटा हो वो भी, ताकि आप उसका DVD राइटर भी चेक कर पाएँ। और आप मोबाइल तो अपने साथ कैरी करेंगे ही, और उसका हॉटस्पॉट चालू करके आप लैपटॉप का वाईफाई चेक कर पाएँ। तो दोस्तों ये चार चीज़ें आपको कैरी करनी है, बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे जो दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम होती है सेकेंड हैंड लैपटॉप के साथ, अगर वो 3-4 साल 5 साल चल चुका है तो दोस्तों उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हीटिंग की। तो जहाँ से दोस्तों जहाँ से हमारा CPU के फैन लगा रहता है, जहां से हम एयर पास होती है लैपटॉप की, वहां पर आपको एक बार हाथ रख के देखना है। देखिए अभी मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है तो मैं आपको यहां दिखा भी दे रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए जहां से आउटपुट रहता है मतलब जहां से सॉरी बाहर हवा पास होती है प्रोसेसर की, यहां पर आपको हाथ रख के देखना है। आप यहाँ पर 2 मिनट हाथ रख के देखिए, 5 मिनट 10 मिनट, हो सके तो उसको स्लीप मोड में लैपटॉप को रख के बैग में भी डाल के देख लीजिए कि ये कितना हीट कर रहा है। अगर और अच्छे से अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें एक गेम स्टार्ट कर लीजिए लैपटॉप में, क्योंकि दोस्तों इसमें गेम जब हम लोग इसमें प्ले करेंगे तो लैपटॉप CPU की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, थोड़ा ओवरलोड होगा, और परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छे से चेक कर पाएंगे हीटिंग कितनी आ रही है। अगर लैपटॉप हीट हो रहा है तो दोस्तों वो लेने का आपको मतलब हीच नहीं है, वो आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारी प्रॉब्लम देगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ग्राफिक वाली लैपटॉप है तो आप सबसे पहले डिस्प्ले को तो आप एक बार मैं कहूंगा कि रोटेट करके पूरी जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों डिस्प्ले को आप नीचे करते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री में रखते हैं तो डिस्प्ले अगर ब्लिंक करने लगता है, हल्का सा भी अगर ब्लिंक करता है तो वो भी लैपटॉप आपको नहीं लेना है। ये दोस्तों दोनों लैपटॉप में आ सकती है, विदाउट ग्राफिक और ग्राफिक, लेकिन अगर ग्राफिक वाले लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आती है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रिपेयर भी मुश्किल से होती है, काफ़ी मुश्किल से। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से चेक कर लेनी है, इसमें कहीं डेड पिक्सल तो नहीं है, काले से धब्बे रह जाते हैं या फिर कहीं वाइट सारे दाग रह जाते हैं, उसको डेड पिक्सल कहा जाता है, तो ये तो नहीं है, आपको अपने लैपटॉप में चेक कर लेना है। इसके लिए आप क्या करिएगा, आप लैपटॉप में नोटपैड को स्टार्ट कर लीजिए या फिर कोई भी एक वाइट जिसमें बैकग्राउंड पूरा वाइट हो, उसमें आपको अच्छे से दिख पाएगा डेड पिक्सल वगैरह, तो आपको फुल स्क्रीन में आप उसको कर लीजिए और एक बार अच्छे से डिस्प्ले को चेक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे हीटिंग भी चेक कर ली और आपने डिस्प्ले चेक कर ली, इसके बाद ये दोस्तों हार्डवेयर आपने सारे चेक कर लिए, USB ये वो जो भी मैंने बताया। इसके बाद अगर आप आ जाइए कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो रैम आप चेक कर सकते हैं, हार्ड डिस्क आप दोनों सब मतलब चेक कर सकते हैं, और प्रोसेसर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज़ में आप जाते हैं, अब जनरेशन कैसे देखते हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्रोसेसर के साथ, एक तो हो गया कि प्रोसेसर की जनरेशन और दूसरा हो गया प्रोसेसर का गीगाहर्ट्ज़। अगर आप मैं जैसे ये देख सकते हैं कि कोर i5 प्रोसेसर है, इसकी जनरेशन क्या है मैं कैसे पता करूँगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोर i5 के जस्ट बाद डैश के बाद यहाँ पर लिखा है 4210। तो दोस्तों ये स्टार्ट कौन से न्यूमेरिक से हुआ, 4 से, तो आप मान सकते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होता है 4 से स्टार्ट हुआ, तो ये 4th जनरेशन प्रोसेसर है i3 का, और 1.7 GHz to 2.40 GHz की क्लॉक स्पीड है। तो मतलब गीगाहर्ट्ज़ भी आपको देखना है, ये भी दोस्तों बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आपके लैपटॉप में अगर कम होगा और आपका प्रोसेसर, तो शायद आप ज़्यादा गेम प्ले वगैरह नहीं कर पाए। इसी के साथ दोस्तों आपको सारी चीज़ें चेक करके उसकी एक बार आपको चार्जर्स भी लगा के देख लेना है कि आपका लैपटॉप परफेक्ट चार्ज कर रहा है कि नहीं। और दोस्तों सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक डिस्प्ले वाली रहती है। अगर आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो डिस्प्ले ब्लिंक नहीं करना चाहिए, और दूसरा हीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी है, लैपटॉप का कीबोर्ड चेक कर लेना है। उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपली नोटपैड स्टार्ट कर लीजिए, और नोटपैड स्टार्ट करके आपको सारे मतलब पूरे आपको कीज़ एक बार टाइप करके देख लेने हैं। अगर एक भी की यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप रिपेयर, ये कीबोर्ड आपका रिपेयर नहीं होने वाला है, आपको कीबोर्ड चेंज ही करवाना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि यार ये तो इतने में रिपेयर हो जाएगा, तो आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए, आपको सारी चीज़ें इस तरीके से चेक कर लेनी है। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। दोस्तों एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, shubhlabh.com जिसका नाम है। अभी से आज या कल में रिलीज़ हो जाएगी, आज 13 जुलाई है, तो आज नाइट या फिर 14 जुलाई मतलब कल है ना वेबसाइट रिलीज़ हो जाएगी। तो आप वहाँ पर भी यूज्ड प्रोडक्ट में जाके हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लैपटॉप अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर वहाँ पर किसी प्रोडक्ट में फॉल्ट रहता है तो नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, मतलब आपको कहीं भी फ्रॉड नहीं होगा। वो हमारी जो बनाई हुई वेबसाइट है, तो वहाँ पर अगर किसी लैपटॉप में अगर एक छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वो नीचे मेंशन कर दी जाएगी। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।